जब अंग्रेज की गुलामी नहीं मानी भाई साहब, हमने यहाँ पर सिख की गुलामी नहीं मानी, हमने यहाँ पर अलेक्जेंडर की गुलामी नहीं मानी, किसी की भी गुलामी हम नहीं मानेंगे। Hey guys, welcome back to our channel. आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पठान के टिकटॉक कंपाइलेशन। और हम लोगों को पठान के टिकटॉक देखना अच्छा लगता है, और आपको भी। और जब भी हम लोग नहीं लाते हैं ना, और आप ऐसे होते हो कि और लाइए यार, हम लोग तभी ला सकते अगर आप हम लोगों को मेल करेंगे, क्योंकि यार हम लोग बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम लोगों को मिलती है थोड़ी बहुत। ये भी मैंने लिटरली 1.5 घंटा मैंने लिटरली बैठ कर निकाली, तब जाके मिली है मुझे ये भी। तो देखते हैं कि कैसे होने वाली है। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की, ये गलत चीज है, ये ना पिया करें। कहते हैं पीने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते, मरने के लिए थोड़ी सी जमीन भी नहीं देते। आजकल ये गल्ला सुन लो, तीसरी बार आ रही है धोखे बात मत दोस्तों। ठीक कह रहा है बादाम गुल? नहीं बाजी, कसम से मैं अभी आया हूँ। छोटी छोटी बातों में कसम नहीं उठाते, ये लो। ये हानिया कितनी क्यूट लग रही है। बादाम गुल, बादाम गुल, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं तकलीफ करता हूँ। ये सारे तुम्हें शैतान बेवकूफ बना रहे। आ मेरे पीछे लाइन बना। वो तुम्हारी जरूरत कैसे हुई दरअसल की जमीन पे आने की? तुम जानते हो ये मेरा खेत है, हटो, चलो निकलो, शाबाश। बड़ा दरकसाई हमारे को मालूम है यार, तुम्हारा खेत है, बड़ा जल्दी है यार, हमें दरगाह पर पहुंचना है। बड़ा चाचा गुलरेजा बहुत बीमार है, उसका रियाज करना है यार। तुम्हारा कैमरा किधर है? वो गाड़ी में मिले हम। क्यों? आपने पूछा तो मुझे लगा आपको जरूरत हो शायद। हर वो चीज जिसकी मुझे समझ नहीं वो मेरी जरूरत है। तुम्हें पता है ये इंडिया में भी अपने थे जो भी आए हैं। हाँ, हमने जब अंग्रेज की गुलामी नहीं मानी भाई साहब, हमने यहाँ पर सिख की गुलामी नहीं मानी, हमने यहाँ पर अलेक्जेंडर की गुलामी नहीं मानी, किसी की भी गुलामी हम नहीं मानेंगे। और ये बर्गर बच्चे क्या जाने पठान किस बला का नाम है। आज से हम बर्गर बच्चे में हम खाते हैं बढ़िया। आज कल जब जब मुझे हाँ रास्ते में मुझे इस तरह रोकने का अंजाम जानते हो दिलावर? पापा बात करनी है तुमसे। इस तरह रोड पे, रोड हो या पहाड़, बात तो बाबा इसी वक्त करनी। किससे और कब बात करनी होती है ये नौशेरमा गजनवी खुद तय करता है। ये मैं हक पे एक आर्टिकल लिख रही हूँ अपने अखबार के लिए, रिसर्च कर रही हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि पिछले दिनों में आपके गांव में भी किसी ने गक की। गक नहीं, गक का बच्चा हुआ है हमारे इलाके में। असल खूनी गक तो आज से 30 साल पहले हुआ, उसके बाद नहीं। ये तो एक पागल का पागलपन था, जिसकी उसको ऐसी सजा मिली है कि अब अगले 30 साल तक हमारे इलाके में कोई बदमाशी नहीं करेगा। घबराव नहीं है, हमारे इलाके में इस तरह ठाठू लगी रहती है। क्या मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ? बगौड़े, ये किसकी शादी है? शादी नहीं, रहमत खान का बात पक्का हुआ है। हाँ जी, सुबह से वो पांच फायर कर चुका। अरे उस बदबख्त से कहो के हमारे इलाके का नाम बदनाम ना करे। भाई,
इज्जतदार लोग हैं, औरत को जिरगे में बुला के क्यों ख्वार करें? मुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मुझे तुम सारे अच्छे नहीं लगे। सबकी शक्लें मुर्दार खोर जैसी लग रही। बहुत गलत बात कर दी है तुमने आजी। बस बस, एक औरत की इज्जत का दर्स दे रहा है और दूसरा बदला लेने के लिए मुंह से आग निकाल रहा है, अपनी बातें मनवाने के लिए आंखें दिखा रहे हो मुझे। बच्चा नहीं हूं मैं, बच्चा नहीं हूं, सब जानता हूं। तुम जैसों को मैंने सारी जिंदगी बास्केट की जेब में नहीं, आपकी जेब में रखा है। क्या कमाल की कंपाइलेशन थी। और जो लास्ट वाला था यार, वो मुझे बहुत धांसू लगा कि तुम सबको मैंने बास्केट के जेब में नहीं, शलवार की जेब में रखा। वो चीज तो बहुत ज्यादा कमाल थी। और वो वाली तुम्हें ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे ठाठू होती रहती है। ऐसी थी अंकल, आप कितने उससे बोर रहो ना कि ऐसे होती रहती है। मतलब क्योंकि वो इतने चिल है उस चीज से कि उनको अब आदत सी हो गई है उस चीज की, है ना। और कॉमन बात है उनमें सा। हाँ सही में, सच में ही कॉमन है पठानों का, तो हम सभी को ही पता है। और ये वीडियो भी बहुत ही कमाल की थी। और वो हानिया वाले भी अच्छे थे ना। हाँ। वाले पार्ट वो स्टार्टिंग में बहुत क्यूट सी लग रही थी, उसमें जहाँ पे वो बोल रहे थे इस बुढ़ापे में मैं ही मर जाऊंगा और गोली चलाऊंगा और खुद मर जाऊंगा। सही लग रहा है वो ड्रामा, बहुत सही लग रहा है। और हानिया जहाँ पे वो बांट रही थी, वो वापस लेने आया था ना बादाम, क्या बादाम ले रहा था शायद, उसका नाम वो जो अंकल थे ना बूढ़े बूढ़े, हाँ। उनका नाम था बादाम कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ तो दो बार लेने आ रहा, तो बहुत कमाल का था। और ये पहली बार हम लोगों ने थोड़ा ड्रामा वाले पठान, हाँ। का वो देखा कंपाइलेशन, तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी ये। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब करें अगर आपने। बाय।